तो आप जैसे लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगुलर लेमिना जो है वो उसके केस में जो है वो उसके किसी एज के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट किया था। और एज क्योंकि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, एज जो हम जो है वो अपनी मर्जी से एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं और चाहे तो हम जो है वो वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। तो किसी एक एज के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो हम लोगों ने दोनों ही एजेस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फाइंड आउट किया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसमें जो है बाउंड्स लगाने के बाद जस्ट इंटीग्रेशन ही करनी होती है। असल काम सिर्फ ये होता है कि हम लोगों को जो है वो बाउंड्स लगानी आनी चाहिए कि कोई भी रिजिड बॉडी जो अंडर कंसिडरेशन है उस रिजिड बॉडी के केस में जो बाउंड्स जो हैं वो किस वे से और कैसे जो है वो अप्लाई करनी है। कि ग्राफिकली जब उनकी बाउंड्स के अगर हम जो है वो ग्राफ उन बाउंड्स के अगर हम ग्राफ्स ड्रा करें तो ग्राफ से जो है वो चाहे तो वो स्ट्रेट लाइंस बने चाहे वो आड़ी तिरछी कर्व्स बने, जो भी ग्राफ्स बने उन कर्व्स का उन कर्व्स के ग्राफ के कॉमन पोर्शन में जो है वो आपकी वो रिजिड बॉडी जो है वो इन दी एंड जो है वो इनक्लोज होनी चाहिए, जिस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आप लोगों ने जो है इवेल्युएट करना है। अगर तो उनके ग्राफ से जो है वो रिजिड बॉडी इनक्लोज हो रही है, उस रिजिड बॉडी का पोर्शन जो है कॉमन में आ रहा है उन कर्व्स के ग्राफ्स के कॉमन पोर्शन में, तो ही जो है उस एग्जैक्ट रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपको बाई कैलकुलेशन जो है वो इंटीग्रेशन के थ्रू मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है किसी और शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, वो जारी बात है वो गलत होगा। ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वैल्यूएट किया था, और जरा जस्ट जो है वो जल्दी जल्दी से बाउंड्स को जस्ट जो है मैं रिकॉल कर लूँ कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि बाउंड्स जो है वो दो तरीकों से हम लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप स्टार्ट में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लें। फॉर एग्जांपल ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये मैंने स्टार्ट में ही ले ली हैं, और मैंने इस तरह ली हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस कि मेरी जो रिजिड बॉडी जो कि ट्राइंगल लेमिना है वो इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के दरमियान में जो है वो लाई कर रही है। अब नेक्स्ट जो है वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी इक्वेशन जो हम जो है वो अपनी इंटीग्रेशन में यूज कर लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन जो है जो कि फर्स्ट नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, और जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है जिस पॉइंट में से पास कर रहे हैं ये उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट h है, इसलिए जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू h। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपने एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट में अगर दो स्ट्रेट लाइन ले ली है चाहे वो हॉरिजॉन्टल ली है चाहे वो वर्टिकल ली है, उसके बाद अगर दूसरी बाउंड्स के लिए अगर आप जो है वो भी स्ट्रेट लाइन जो है अगर यूज करते हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो तभी यूज कर सकते हो जब आपकी रिजिड बॉडी जो है या तो स्केयर हो या तो रेक्टेंगुलर लेमिना हो। ठीक है, अगर आपकी बॉडी जो है स्ट्रेट अच्छा नहीं है बल्कि किसी और शेप की है, तो जारी बात है आपको अपनी लाइन को थोड़ा सा इंक्लाइंड जो है वो करना पड़ेगा ताकि आपकी जो शेप जो अंदर कंसिडरेशन है उसकी जो वो जो है वो आपकी जो है वो थ्रू इंटीग्रेशन जो है थ्रू बाउंड जो है वो कवर अप हो सके। अब दूसरी बाउंड अगर हम लोगों ने लगानी है तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस तो यूज कर ली है, दूसरी बार अगर मैं दोनों ही बाउंड जो है वो वर्टिकल लाइंस अगर यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल एक जो है वो बाउंड जो है मैं अगर अलोंग दी वाई एक्सिस जो है ये वाली ब्लू लाइन जो है वो अपनी वर्टिकल बाउंड यूज करता हूँ, दूसरी लाइन बाउंड जो है अगर मैं ये वाली ब्लू लाइन यूज करता हूँ, तो अब मैंने क्या किया है दोनों ही बाउंड जो है बाद वाली जो है दोनों जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ले ली है। तो अगर तो मेरी तो स्केयर रिजिड बॉडी जो है स्केयर लेमिना होता है या रेक्टेंगुलर लेमिना होता है तब तो मेरी चारों ही जो है ना वो कर्व जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी थी जिनमें से दो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी थी दो वर्टिकल लाइन होनी थी। लेकिन अगर आपकी रिजिड बॉडी जो है दोनों हो स्केयर लेमिना या रेक्टेंगुलर लेमिना के अलावा कोई और टाइप की रिजिड बॉडी है, तब आपको जो है वो अगर एक वक्त में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं तो दूसरे वक्त में जो है वो दूसरी बाउंड्स के केस में आप जो है वर्टिकल लाइंस नहीं ले सकते, दोनों की दोनों आपको थोड़ी सी बाउंड्स में जो है चेंजिंग करनी पड़ेगी, उनकी इंक्लिनेशन में जो है ग्राफ्स में जो है चेंजिंग करनी पड़ेगी तो आपकी। आवाज आ रही है सबको मेरी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, वो लाइट ऑफ हो गई थी
तो मैंने मोबाइल से जो इंटरनेट कनेक्ट किया है, तो वो वहीं से जो है वो हमारा लेक्चर जब स्टार्ट होने लगा है फिर से। तो खैर मैं बता रहा था कि अगर स्टार्ट में अगर आप लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो एज ए ग्राफ की बाउंड्रीज आप ले लेते हैं, तो उसके बाद जो दूसरी बाउंड्रीज है उनको अगर आप दोनों ही वर्टिकल लाइंस ले लेंगे, तो आपकी रिजिड बॉडी जो है उसकी शेप जो है वो देख लेंगे, क्योंकि ट्रायंगुलर लेमिना है, अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लेमिना थी तो फिर तो ठीक था, लेकिन ट्रायंगुलर लेमिना के केस में आपकी जो दूसरी बाउंड्रीज हैं ये वाली गलत हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि बाउंड्रीज इस तरह लगाएंगे कि हमारी जो शेप जो है वो कवर हो। तो जो पहली ब्लू लाइन है जो कि आपको नजर आ रही है वो तो ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारा जो ट्रायंगुलर लेमिना है वो इसी ब्लू लाइन से जो है वो बाउंड किया हुआ है। लेकिन जो दूसरी बाउंड लगानी है हम लोगों ने, जो दूसरी लाइन लगानी है, दूसरी कर्व लगानी है, दूसरा ग्राफ बनाना है, वो हमारा क्या होगी, हमारी जो ब्लू लाइन होगी वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी, वो इस तरह की होगी जैसे कि आपको इस तरह फिगर में नजर आ रही होगी, वो ये वाली स्ट्रेट ब्लू लाइन होगी। तो अब ओवरऑल आपको जो है स्ट्रेट फिगर में जो है चार कर्व्स जो है वो शो हो रही हैं, जो कि एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ही है, दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है और एक जो है बिल्कुल वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस में से पास कर रही है, और एक जो है वो इंक्लाइंड जो है वो ब्लू लाइन है जो कि ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अब इन अगर चारों कर्व्स या स्ट्रेट लाइंस का कॉमन पोर्शन देखे, तो कॉमन पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा वो क्या है, ये रेड वाला पोर्शन है जो कि एक्चुअल ट्राइंगल वाला पोर्शन ही है जिसको हम लोगों ने कवर करना था। तो ये वाली इसका मतलब ये होगा कर्व्स को हम लोगों ने एज ए बाउंड्रीज जो है वो यूज करना है या बाउंड यूज करना है इंटीग्रेशन में, और इन्हीं की इक्वेशन को जो है हम लोगों ने इंटीग्रल के ऊपर एज ए बाउंड्री अप्लाई करना है। तब इनकी आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए, जबानी बता देते हो तो अच्छी बात है, अगर जबानी नहीं पता तो आप लोगों को खुद ही वैल्यूएट करनी पड़ती है। अब दो बाउंड मैंने खुद ही बता दिया, यहाँ पे क्या है वो, एक वाई इज इक्वल टू जीरो है और दूसरी क्या है वाई इज इक्वल टू एच है, वो क्या है किसकी है, और नीचे से लेकर ऊपर तक बाउंड है अलोंग वाई एक्सिस है, तो वो किसकी बाउंड्स हैं, वो वाई की बाउंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद इन में डीएक्स यूज हो रहा है, तो इन इंटीग्रल के साथ जो एक्स की बाउंड यूज होगी, तो एक्स की बाउंड कौन सी होगी, लेफ्ट से लेकर लेकर राइट तक, तो लेफ्ट वाली जो बाउंड है वो कौन सी है, ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस में से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, और ये जो इंक्लाइंड जो है वो लाइन लाइन थी इसकी, ये जो आपकी दाएं तरफ वाली बाउंड है इसकी जो है इक्वेशन, आज लाइन की इक्वेशन जब जबानी नहीं बता सकते थे तो टू पॉइंट फार्मूला यूज करके, क्योंकि ये लाइन जो है दो पॉइंट में से पास करी थी, एक वाला पॉइंट जो है ए कॉमा जीरो और दूसरा पॉइंट जो है वो जीरो कॉमा एच है, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करते हुए जो है हम जो है वो, और लाइन की इक्वेशन का फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस लाइन की इक्वेशन जो है वैलिड करेंगे, और क्योंकि हम जो है हमने जो है वो एक्स की बाउंड जो है वो यूज करनी है यहाँ पे, तो लाइन की इक्वेशन में एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में जो है वो हम उसकी इक्वेशन को फाउंड करके उस इक्वेशन को जो है इस लाइन की इक्वेशन को जो है यहाँ पे जो हम यूज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सारा इंटीग्रेशन वाला काम होता ही है वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वाले लोगों को आता ही है, तो इंटीग्रेशन करेंगे आपको जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर अबाउट एक्स एक्स जो है ये मिल जाएगा। और ये तो था ए के बाउंड्स लगाने का, जब हम स्टार्ट में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कंसिडर करते हैं और बाउंड लगाते हैं। दूसरा वे भी जो है बिल्कुल इसी मेथड को फॉलो करते हुए है, वो मैं थोड़ा सा जल्दी में बताऊंगा। दूसरा वे क्या है, दूसरे वे में क्या करते हैं आप, स्टार्ट में जो है वो वर्टिकल लाइन जो है वो ले लेते हैं अपनी बाउंड्रीज, तो ये अगर वर्टिकल लाइन अपनी बाउंड्रीज ले लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप लोगों ने जो दूसरे वेरिएबल की बाउंड्स लगानी है वो अगर आपने लगानी है, तो वो दोनों की दोनों जो है आप जो है वो इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर दोनों दोनों अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो आपकी ट्रायंगल जो है वो कवर नहीं हो रही। तो क्या करेंगे, एक तो हम ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे क्योंकि ये तो ठीक लगी हुई है, लेकिन जो दूसरी बाउंड है हमारी नीचे सुपर वाली, हम जो है वो ये वाली ब्लू लाइन जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये वाली बाउंड जो है इन इन कर्व्स की बाउंड इक्वेशन को जो भी है एज ए बाउंड आप यूज कर सकते हैं, उसके केस में भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। दो तरीके हैं बाउंड लगाने के, मैंने फिलहाल जो है वो क्या किया था, यहाँ पे जो है वो पहला जो वे मैंने अभी आपको बताया उस वे को यूज करके बाउंड लगा के आंसर निकाला है। अब ये जो दूसरा वे यहाँ पे मैंने ग्राफ शो करके आपको बताया हुआ है, उस वे के थ्रू भी आप भी जो है बाउंड लगा के अपना जो है वो इंटीग्रेशन करके मोमेंट इनर्शिया कहाँ से निकाल सकते हैं, उसके केस में भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सेम ही यही आएगा, ठीक है। तो दो वेज होते हैं बाउंड लगाने के, दोनों वेज में जो है वो स्टार्टिंग में जो है आप दोनों वेज में आपकी स्टार्टिंग में डिपेंड करता है आप कहाँ से स्टार्ट करती हो, या तो स्टार्ट में ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट कर देते हो जैसे कि ये वाला वे था पहले वाला, या फिर जो है वो स्टार्ट में जो है आप जो है वो वर्टिकल लाइन से जो है वो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हो, जो कि ये वाला वे था। तो दोनों वे से आप बाउंड लगा के आप जो आंसर निकाल सकते हो, आंसर जो है आपका सेम ही आएगा। तो ये तो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इस तरह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आप वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे निकाला हुआ नजर आ रहा होगा कि उसके केस में भी जो है चाहे आप वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, चाहे एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, क्योंकि आपकी जो शेप जो है या आपकी जो रिजिड बॉडी है
वो वही की वही है जैसी कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जस्ट एक्सिस ही चेंज हो रहे हैं। तो क्योंकि बॉन्ड्स लगा के हम लोगों ने रिजिड बॉडी को कवर करना होता है और बॉडी वही की वही है, इसलिए सेम एग्जैक्टली वही बॉन्ड्स लगेंगी जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के केस में लगी है। लेकिन क्योंकि हमने फार्मूला वाई एक्सिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस के लिए लिखा हुआ है, इसलिए आपका इन दी एंड इंटीग्रेंट चेंज होगा और इन दी एंड आपका आंसर जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के बाद जब फार्मूला लिखा था तो आपका इंटीग्रेंट क्या बन रहा है वाई स्क्वायर, लेकिन जब वाई एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लिखा तो आपका इंटीग्रेंट जो है वो एक्स स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इंटीग्रेंट चेंज हो गया इसलिए आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कोरेस्पोंडिंगली आपको मिल जाएगा। लेकिन बाउंड्स जो है आपकी बाउंड्स लगी होंगी, अगर रिजिड बॉडी वही की वही है, सिचुएशन सेम वही की वही है, जैसे आपको स्क्रीन आपने चेंज उसमें चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं की, तो बाउंड्स जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही लगेंगी जो एक्स या वाई एक्सिस दोनों के केस में हम लोगों ने लगाई हुई है। ठीक है, बाउंड्स लगाने के दो तरीके हैं, आपने एक वक्त में एक ही तरीका जो है फॉलो करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लेके जो है वो बाउंड्स लगाई हुई हैं, तो आप भी एक वक्त में जो है वो एक तरीके को फॉलो करके कर सकते हैं। तो फिलहाल जो क्वेश्चन है, इन दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में मैंने बाउंड जो है स्टार्ट में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस लेके स्टार्ट किया और वह हमारी बाउंड जो हॉरिजॉन्टल वाली है वाई इक्वल जीरो से लेकर वाई इक्वल एच तक है। जो दूसरा वे है वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकालना है, एक वक्त में एक ही तरीका जो है वो काफ़ी होता है बाउंड लगाने का, हमें जो हमारा आंसर जो है वो मिल जाता है। और ये सारी कैलकुलेशन जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है देख ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप जो क्या राइट एंगल ट्रायंगल की बजाय जो है वो किसी और टाइप के ट्रायंगल, क्वेश्चन है, हाँ पूछो सर, जो हमने आई जी निकाला है, हाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकाला है, सही है सर। अगर सर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल ना हो फिर तो ऐसे नहीं निकाल सकते। राइट एंगल ट्रायंगल चाहे हो या ना हो, कोई भी आपके पास लेमिना होगा, उस लेमिना के केस में जब आप जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है लगा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो। ठीक है, जैसे ना आप स्क्वायर लेमिना है, सर्कुलर लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना है, सभी लेमिनाज के केस में जो है वो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये वाला जो है वो लग जाता है। इसका प्रूफ जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने आप लोगों को क्लास में क्लियरली बताया था कि आपके पास कोई लेमिना टाइप की शेप होनी चाहिए। वो लेमिना जरूरी नहीं है कि ट्रायंगुलर लेमिना हो, सर्कुलर लेमिना हो, स्क्वायर लेमिना हो, एलिप्टिक लेमिना हो, रेक्टेंगुलर लेमिना हो, बस लेमिना होना चाहिए। तो लेमिना के केस में जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो लगता है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बस ये कंडीशन होती है साथ साथ ये कि आप जिन्हें जो तीन एक्सिस जो है आपके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको फिगर पे दिखाता हूँ, ये किसके रेक्टेंगल ट्रायंगल के केस में ही कि अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के केस में तीन जो एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक एक्सिस तो है फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक्स एक्सिस है, ये देख लेंगे रेक्टेंगुलर लेमिना के बाउंड्री है ये वाला एक्सिस, तो रेक्टेंगुलर लेमिना में ही है ये वाला एक्सिस। ठीक है, दूसरा एक्सिस जो है वाई एक्सिस है, ये भी रेक्टेंगुलर लेमिना की एक साइड वाली बाउंड्री है, तो चाहे उसकी बाउंड्री है लेकिन है तो उसी के लेमिना में ही है ये दूसरा एक्सिस। ठीक है, अब दोनों एक्सिस का कॉमन पॉइंट कौन सा है, दोनों एक्सिस का कॉमन पॉइंट जो है वो ये वाला है, ये थोड़ा सा मैं सर्कल टाइप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये दोनों एक्सिस का क्या है, कॉमन पॉइंट है, और ये कॉमन पॉइंट रेक्टेंगुलर लेमिना का भी पॉइंट है, याद रखना ये कॉर्नर वाला पॉइंट जो है वो, ठीक है ना, रीजन है ये रेक्टेंगुलर लेमिना का ही पॉइंट है। अब उसके बाद अब आप कोई और एक्सिस जो है वो ड्रा करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यहाँ पे जो है एक जी एक्सिस ड्रा करता हूँ ये वाला, क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा हूँ बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, तो जी एक्सिस को बिल्कुल मैं परपेंडिकुलर तो यहाँ से पास नहीं करवा सकता, लेकिन आप देख लो कि आपकी जो स्क्रीन है उसमें से पास करके ये बिल्कुल स्क्रीन के पीछे से होती हुई दूसरी तरफ जो है वो निकल जाएगी ये वाला लाइन। अब ये वाला आपका जी एक्सिस भी जो है बिल्कुल ओरिजिन में से पास कर रहा है, तो ये जो ओरिजिन जो है वो तीनों एक्सिस का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, और ये जो कॉमन पॉइंट है तीनों एक्सिस का, ये रेक्टेंगुलर लेमिना का भी पॉइंट है। ठीक है, और ये दो एक्सिस जो कि रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं ये रेक्टेंगुलर लेमिना के प्लेन में ही है। ठीक है, और जो तीसरा ब्लू वाला एक्सिस है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की ये कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई लेमिना हो, जैसे आपके पास ट्रायंगुलर लेमिना नजर आ रहा है, उसके बाद फिर ये कंडीशन होती है कि दो एक्सिस जो है उस लेमिना में से पास करने चाहिए, वो मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिए हैं। उसके बाद एक और कंडीशन होती है कि तीसरा एक्सिस जो है वो उस लेमिना के और बाकी जो दो एक्सिस हैं जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए तीसरा एक्सिस।
तीनों का ही कोई ना कोई ये कॉमन पॉइंट होना चाहिए, वो कॉमन पॉइंट जो है वो भी उस लेमिना का होना चाहिए। जब ये सारी की सारी कंडीशन जो है फुलफिल हो जाएंगी तभी जो है परपेंडिकुलर थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। तो लेफ्ट लेमिना होना चाहिए आपके पास, तीनों का एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तीनों ही एक्सिस जो है दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। उन तीनों में से जो प्लेन प्लेन में आ रहे हैं दो एक्सिस, उन दोनों एक्सिस के बॉर्डर जो मूवमेंट होना चाहिए होता है उसको जो है हम लोग जो सम करते हैं, वो चाहे एक्स वाई एक्सिस हो चाहे वाई जी एक्सिस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मूवमेंट रेशियो को सम किया हुआ है। अब अगर लेमिना के प्लेन में जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के बजाय वाई और जी एक्सिस आ रहे हैं और आपका एक्स एक्सिस जो है लेमिना के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे फिर आपके जो है वो आई और जी जी के बजाय आई ऑफ एक्स एक्स आएगा। ये भी मैंने शायद आप लोगों को क्लास में चेंज करके बताया था नाम, ठीक है ना? यस सर, सब में लग गया सर, ठीक। तो मेरा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, लेमिना के केस में आएगा, राइट एंगल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। लेमिना हो चाहे वो राइट एंगल हो या ना हो, चाहे इस तरह की कोई आर्बिट्री शेप, जैसे ये देखो ना मैंने ये ड्रा कर दिया, अब ये बिल्कुल पेज के ऊपर एक मैंने शेप ड्रा कर दिया है और इसका अंडर वाला इनर पोर्शन जो है सारे का सारा जो वो भी मैंने जो है वो उसको जो है फिल कर दिया है, ठीक है ना? Yes. ये भी एक लेमिना टाइप का जो है मैंने कह ले कि मैंने ड्रा कर दिया है। तो इसके केस में भी आप जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो लगा सकते हैं, ठीक है ना? थ्री डायमेंशनल शेप केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, ये याद रखना। थ्री डायमेंशनल शेप जैसे आपका सफेद है, क्यूब है, पैरेललोपिपेड है, कोन है, उनके केस में जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने एग्जांपल क्वेश्चन करना था ट्रायंगल का, क्वेश्चन ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल जुई नहीं, अब नहीं आपको योर ट्रायंगल लेके भी जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्रायंगल ड्रा की हुई है, ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल, अब याद रखना हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि हमने ट्रायंगल के किसी एज के अबाउट जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। तो राइट एंगल ट्रायंगल केस में आपके एक्स और वाई एक्सिस जो है आसानी से आपको मिल रहे थे, एजेस जो एक्सिस जो कि एजेस में से पास कर रहे थे। लेकिन इस ट्रायंगल के केस में आपका जो आपको जो एक्सिस मिल रहा है जो कि ट्रायंगल के एज में से पास कर रहा है वो आसानी से सिर्फ ये वाला मिल रहा है। बाकी एजेस कौन से हैं? बाकी एजेस जो है उसका एक तो ये वाला एज है, ठीक है, ब्लू कलर वाला, और दूसरा जो है ट्रायंगल का ये वाला एज है। तो इन एजेस के अबाउट यहाँ पे जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि या ये ब्लू वाले जो एक्सिस हैं ये ना तो कोई एक्स एक्सिस बन रहा है, ये ना कोई वाई एक्सिस बन रहा है, ये कोई आर्बिट्री टाइप की कोई एक्सिस बन रहे हैं इस सिचुएशन में। तो जहाँ से निकालना हमारे लिए आसान होगा, जिस एज के बॉर्ड निकालना हमारे लिए आसान होगा, हम उस एज के बॉर्ड निकाल लेंगे तो बाकी एजेस के बॉर्ड भी ऑटोमेटिकली हमें मूवमेंट इनर्शिया जो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो ये जो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस नजर आ रहा है जो कि क्लियरली जो है वो ट्रायंगल के एज में से पास कर रहा है, इसके बॉर्ड जो मूवमेंट इनर्शिया निकालेंगे, इसके बॉर्ड जो मूवमेंट इनर्शिया का यहाँ से मिल जाएगा, तो उसको जो है वो देखते हुए सिमेट्री को देखते हुए हम जो है वो ये जो बाकी दो एजेस हैं, फॉर एग्जांपल एक ये वाला एज है और एक ये वाला एज है, इन एजेस के बॉर्ड भी जो है हम जो है सिमिलरली करके मूवमेंट इनर्शिया कहाँ से जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अबाउट फिलहाल यहाँ पे निकालना मुश्किल है, तो आसान किसके अबाउट है? आसान जो है वो एक्स एक्सिस के बॉर्ड में से जो है जो पास कर रहा है उसके बॉर्ड निकालना आसान है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के वाले का फार्मूला भी पता है जबानी। तो आसान जो है हम जो है उसको लेके फाइंड आउट करेंगे और बाकी जो एजेस हैं उनके बॉर्ड जो हम सिमिलरली करके भी यहाँ से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास इस टाइप की कोई ट्रायंगल नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये एसोसल ट्रायंगल है, तो इस टाइप के ट्रायंगल केस में अगर आप लोगों ने एज के बॉर्ड मूवमेंट इनर्शिया निकालना है, तो हम जो है वो जो उसका बॉटम जो एज है जो कि एक्सिस में से ही पास कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में से पास कर रहा है, जो कि एक्चुअली क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस है, उसके बॉर्ड जो है मूवमेंट इनर्शिया निकालते हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल के केस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद जो है डीएम की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ जो है वो डेंसिटी जो है वो पुट करेंगे। डेंसिटी क्योंकि एरिया डेंसिटी है, तो रो इंटू डी एक्स डी वाई यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है जब स्टेप जो हमारे पास किया होगा कि क्योंकि ट्रायंगल लेमिना जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो हमारा यहाँ पे जो जी स्केयर आ रहा है वो जीरो हो जाएगा। सिंपली हमारा इंटीग्रेंड क्या बन जाएगा? वाई स्केयर बन जाएगा यहाँ पे। अब जो हमारा समझने वाला काम है वो ये है कि हम लोगों ने चेक करना है कि बाउंड्स कैसे लगानी है। अब फिर अगेन बाउंड्स वैसे जैसे मैंने अभी आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के केस में समझाया है कि बाउंड्स हमने इस तरह लगानी है कि जो उनकी बाउंड्स का जो ग्राफिकली कर्व्स बनती हैं वो उन कर्व्स ने हमारे शेप को भी बाउंड जो है वो किया होना चाहिए। अब हमारी शेप जो है उसको बाउंड करके पहले ग्राफिकली देखते हैं कि कौन कौन सी लाइंस या कर्व ने हमारी शेप को बाउंड किया हुआ है। तो सब अगेन फिर वही दो तरीके हैं, यहाँ तो पहले आप स्टार में जो है वो दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद जो है देख लें कि हमने जो है वो वर्टिकल दो स्ट्रेट लाइन लगानी है या नहीं लगानी, या अपनी शेप के हिसाब से हम लोगों ने अपनी लाइन को थोड़ा सा चेंज वगैरह करना है नहीं करना। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जिसमें स्टार्ट में दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्टार्ट में जो है ना दो वर्टिकल लाइन ले लें इस तरह, ठीक है,
उसके बाद अब अगर आप लोगों ने दूसरी बॉन्ड लगानी है तो दूसरी बॉन्ड देखें कि आपकी सिचुएशन का डिमांड कर रही है। सिचुएशन अगर ये डिमांड कर रही है कि दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो अच्छी बात है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लैमिना के केस में ही आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लैमिना नहीं है, किसी और टाइप का केस बन रहा है, तो आपने फिर दूसरी बॉन्ड को अपनी मर्जी से शेप के साथ जो है ना उनको आड़ा तिरछा वगैरह करना है, ताकि आपकी शेप जो है वो इंडियन उसकी बाउंड्री जो है सारी की सारी जो है वो कर्व हो जो है ना कवर अप हो जाए। याद रखना जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टार्ट में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन ही लेनी है। ये तो हमारी रिजिड बॉडी जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो स्ट्रेट लाइन टाइप की हैं, इसलिए मैं स्टार्ट में बिल्कुल जो है ना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बॉन्ड लगाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे दो तरीकों से बॉन्ड लगा सकते हैं, एक तरीका कौन सा है, ये वाला के स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, दूसरा तरीका ये वाला स्टार्ट में जो है वो वर्टिकल लाइन ले लें। अब यहाँ पे जो मैंने बॉन्ड लगाई हुई है, जो लगी हुई है आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर, मैं फिलहाल जो है उसी मेथड को फॉलो करता हूँ ताकि जो है वो आपको कैलकुलेशन भी आपके आसानी से हो जाए। यहाँ पे देखें किसकी बॉन्ड लगी हुई है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू समथिंग, ये वाले कांस्टेंट की बॉन्ड लगी हुई है, इसका मतलब जो है मैंने जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट को लेकर स्टार्ट करना है। आप जो वर्टिकल लाइन लेके भी जो कर सकते हैं, आप कहाँ से जो इंडियन सेम ही आएगा। तो बॉन्ड लगाता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जो रिजिड बॉडी जो है वो सबसे पहले क्या है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर और इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक जो है वो वेरी कर रही है। ठीक है, और क्लियरली आपको नजर भी आ रहा है कि जो राइट एंगल हमारी जो सॉरी राइट एंगल कह रहा हूँ, ये जो हमारी ट्राइंगल जो आपको फिगर में नजर आ रही है, ये ब्लू वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर अपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन तक ही वेरी कर रही है। इतना तो फिलहाल ठीक है हमारा बॉन्ड्स का की वेरिएशन। अब अगर ये हमारी एक वेरिएबल की बाउंड्स हो जाएंगी, इस इन बाउंड्स की इक्वेशन क्या है, क्योंकि ये बाउंड जो है वो एक्स लाइन जो एक्स एक्सिस में से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू जीरो। और ये जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एच। तो इसकी बाउंड लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू जीरो और अपर हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एच, क्योंकि वो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जिस पॉइंट में से पास कर रही है उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो एच है। तो ये इक्वेशन बताना ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि दो बॉन्ड्स तो ये लग गई हैं हमारी, अब दो कर्व्स कौन सी लगानी है कि हमारी जो ट्राइंगल है वो कवर अप हो जाए। अब देखें, अब जैसे मैंने लास्ट राइट एंगल ट्रायंगल केस में देख रहा था, अगर मैं दो कर्व जो है, अगर मैं ये वाली लगाता हूँ, एक वाली जो है वो कर्व मैं ये लगाता हूँ कि मेरी ट्राइंगल जो है वो इस थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ट्रायंगल जो है वो इस वर्टिकल लाइन से लेकर इस वर्टिकल लाइन तक वेरी कर रही है, तो ओवरऑल जब चारों कर्व्स को आप कम इकट्ठा देखेंगे तो उनके कॉमन में जो पोर्शन आ रहा है वो हमारी वो ट्रायंगल नहीं आ रही जिसको हम कवर अप करना चाह रहे हैं। इस अब क्या करेंगे, थोड़ी सी बॉन्ड्स की तरफ दोबारा जाएंगे, उनके कर्व्स में ग्राफ्स में दोबारा चेंजिंग करेंगे, क्या चेंजिंग हो, क्या ओरिएंटेशन में चेंजिंग हो कर्व्स में कि हमारी जो ट्रायंगुलर शेप जो है वो कवर अप हो जाए। तो थोड़ी सी चेंजिंग अब क्या करते हैं, आपको नजर आ रहा होगा क्या करना होगा कि अब मैं जो अपनी जो दूसरी कर्व्स की दूसरी जो बाउंड्स हैं उनके जो ग्राफ्स हैं मैं किस तरह ड्रा करूंगा, कर्व किस तरह ड्रा करूंगा कि मेरी जो लेफ्ट वाली जो कर्व होगी वो जो है वो कुछ इस तरह होनी चाहिए ताकि हमारी जो ट्रायंगुलर जो पोर्शन है वो जो है कवर हो जाए। वो तो एक तो ये वाली ब्लू लाइन होनी चाहिए, ठीक है, ये जो जैसे ड्रा कर रहा हूँ लेफ्ट से हमारी जो ट्रायंगल है इस ब्लू लाइन से जो है वो स्टार्ट हो रही है उसकी बाउंड्री, और राइट की तरफ से जो हमारी ट्रायंगल की बाउंड्री जो है वो इस ब्लू लाइन पे जो है वो खत्म हो रही है। तो ओवरऑल अब जो है इन चारों ब्लू लाइन्स के जो है ना अब कॉमन पोर्शन को देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि हमारा जो ट्रायंगुलर लैमिना जो कि हम कवर अप करना जा रहे हैं वो हमारा जो कवर हो रहा है कि इस वाली रेड लाइन और इस लाइन रेड लाइन के दरमियान वाला पोर्शन होना चाहिए, और उसके बाद ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली ब्लू लाइन के इन साइड वाला पोर्शन होना चाहिए। तो ओवरऑल चारों कर्व्स के जो कॉमन में पोर्शन आ रहा है अगर आप उनको थोड़ा देखेंगे तो कॉमन में आपको आइडिया होगा, कॉमन में आपके पास जो है वो जिस ट्राइंगल को हम लोगों ने जो है वो कवर अप करना था उसी ट्राइंगल का पोर्शन जो है वही कॉमन में आ रहा है, ये मैंने शेड भी कर दिया है। इसका मतलब ये मैंने ग्राफ ड्रा करें किए हैं चार कर्व्स के, इन चारों कर्व्स की इक्वेशन को ही हम एज ए बॉन्ड यूज करेंगे तभी हमारा जो पोर्शन जो है वो कवर अप होगा जो जिसको हम कवर अप करना चाह रहे हैं। अब इन चारों की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, दो की इक्वेशन तो हमने लगा दी है, अब बाकी दो की इक्वेशन लगानी है। बाकी दो कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली ब्लू लाइन है, इसको मैं रहता हूँ ये लिखा होगा यहाँ पे आप लिखा नजर आ रहा होगा, ये वाली है लाइन वन, एक तो ये वाली ब्लू लाइन है
और दूसरी जो है ये वाली ब्लू लाइन है जिसका यहाँ पे लिखा होगा लाइन टू, थोड़ा सा हल्का लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो एक ये पहली है, ये पहली ब्लू लाइन है और आपके पास जो है ये दूसरी ब्लू लाइन है। इन दोनों ब्लू लाइन की इक्वेशन को एज ए बाउंड हम बाउंड यूज करना है इंटीग्रल में। तो जो लोअर बाउंड यूज करनी है वो हम लोगों ने लेफ्ट कर्व को यूज करना है, और जो अपर बाउंड यूज करनी है वो हम लोगों ने राइट बाउंड को यूज करना, राइट कर्व कर्व की इक्वेशन को यूज करना है। तब इनकी इक्वेशन हम जबानी नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी इक्वेशन को हम लोग जो है वो ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने जो ड्राइव भी किया हुआ है इनकी इक्वेशन को, जो लेफ्ट वाली कर्व है या स्ट्रेट लाइन है वो किन दो पॉइंट में से पास करी है, वो माइनस ए बाय टू एक पॉइंट है इस पॉइंट में से पास कर रही है, और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है जीरो कमा एच इस पॉइंट में से पास कर रही है। ठीक है, तो इस लाइन की अगर आप लोगों ने इक्वेशन निकालनी है तो दो टू पॉइंट फार्मूला लगा के, यहाँ पे लगा हुआ ये वाला फार्मूला, टू पॉइंट वाला फार्मूला लगा के इस लेफ्ट वाली ब्लू लाइन जो है जो कि लाइन वन है उसकी इक्वेशन जो है फाइंड आउट करें। और क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक्स की बाउंड लगानी है, तो एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में जो है इस लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड आउट करें। तो आपको ये एक्स इक्वल समथिंग की फॉर्म में लेफ्ट वाली जो ब्लू लाइन है जो कि लाइन वन है उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको जो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है लोअर बाउंड के तौर पर जो है यहाँ पे यूज कर देंगे। उसी तरह ये जो आपकी जो है वो राइट वाली ब्लू लाइन है जो कि लाइन टू है, जो कि लाइन टू है आपके पास, इसकी अगर आप लोगों ने इक्वेशन निकलनी है लिखनी है तो ये ए कमा टू ए बाय टू कमा जीरो इस पॉइंट में से पास कर रही है, और दूसरा जो है वो जीरो कमा एच जो है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेके इक्वेशन नंबर जो लाइन नंबर टू है अगर हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये आपके स्क्रीन में फाइंड आउट की आपको नजर आ रही होगी। टू पॉइंट फार्मूला लगाया हुआ यहाँ पे, और अगेन क्योंकि हम एक्स की बाउंड लगा रहे हैं तो एक्स इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में जो है इसकी इक्वेशन निकाल के इसकी इक्वेशन को जो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो एज ए बाउंड जो है पुट कर देंगे। तो इन अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि जो बाउंड्स लगाई हुई हैं यहाँ पे, चार बाउंड लगाई हुई हैं, इन चारों बाउंड्स के जो ग्राफ बन रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन बन रही हैं या इंक्लाइन बन रही हैं या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन रही हैं, जो भी बन रही हैं, इन चारों बाउंड्स का जो ग्राफ बन रहे हैं उनके ग्राफ ने जो है हमारी जो शेप जो है जिसको हमने कंसिडर किया था उसको जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है 100% जो है वो कवर अप किया हुआ है। इसका मतलब हमारी बाउंड जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सही लग गई है। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आप लोगों ने, नेक्स्ट टाइम में जो है आप लोगों ने इसकी जो है वो जो भी इंटीग्रल इंटीग्रेंट आपका इन्वॉल्व हो रहा है इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और डेंसिटी की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे रोज इक्वल टू टू एम ओवर ए एच क्यू पुट करेंगे। आपको नजर आ रहा होगा हम लोगों ने जो है वो ट्रायंगल कंसिडर की हुई है, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस जो है हम लोगों ने जो है वो ए कंसिडर की हुई है, और दरमियान में क्या है यहाँ पे ओरिजन है, तो ओरिजिन की वजह से एक साइड पे जो है वो ए बाय टू जो है वो जो बेस की जो लेंथ है वो बन जाती है, और ओरिजिन से दूसरी तरफ जो है वो बाकी हाफ बेस जो है उसकी लेंथ जो है वो लेंथ क्योंकि ए बाय टू होती है लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से जो है ना उसको जो है वो उसकी पोजीशन को जो है माइनस ए बाय टू से डिनोट किया हुआ है, और ट्राइंगल की जो हाइट है उसको हम लोगों ने जो है वो एच लिया हुआ है। तो अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हम लोगों ने तो वो क्या होगा, वन बाय टू ट्राइंगल की जो बेस होगी वो क्योंकि ए कंसिडर की है वो, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वन बाय टू ए एच ये ट्राइंगल का एरिया है, और ट्राइंगल के मास को जब हम जो है वो ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो ट्राइंगल की जो है वो डेंसिटी जो है वो मिल जाएगी, जो कि एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन रही है, वो बन रही है टू एम ओवर ए एच। तो ये वाली वैल्यू दो की डेंसिटी को हम यहाँ पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा आई ऑफ एक्स एक्स के बाद आपका आंसर आएगा वन बाय सिक्स मास इनटू एच का स्केयर। अब देखो इसमें भी वही सिमेट्री पाई जा रही है जैसे राइट एंगल ट्रायंगल के केस में थी, कि जिस भी एज के अबाउट आपने मोमेंट इनर्शिया निकालना है ट्रायंगल का, उस एज के ऊपर की तरफ जो है वो ट्रायंगल की जितनी भी जो है वो हाइट बन रही है, जो क्या हाइट हम लोगों ने क्या ये देखेंगे जो ब्लू लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको, ये जो उस एक्सिस के ऊपर की तरफ ट्रायंगल की जितनी भी हाइट बन रही है वो ट्रायंगल जो कि हमारे यहाँ पे क्या एच है हाइट, उस हाइट का स्केयर जो है वो यहाँ पे आएगा आपके आंसर के साथ, और साथ में जो है क्या आएगा वन बाय सिक्स एम। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप लोग जो है वो बगैर कैलकुलेशन के ये वैल्यूएट करना चाहते हो कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल यहाँ पे ड्रा की हुई है इसका इस एज के बाउट जो है, एज कौन सा छोटे ड्रा कर दूं, इसका जो है इस एज के बाउट जो है मोमेंट इनर्शिया क्या है, तो इस एज के बाउट मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरी की पूरी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो बाय सिमेट्री जो है जैसे भी मोमेंट इनर्शिया निकाला उसको फॉलो करते हो आप जो है आंसर उसका निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अब इस एज
जिस साइज के बॉर्डर हमने मूवमेंट ऑर्डर निकालना है उसके बिल्कुल ऑपोजिट की तरफ जो है जस्ट फाइंड आउट कर लो कि इस ट्राइंगल की ये वाली जो है परपेंडिकुलर हाइट जो है वो कितनी है। ये जितनी हाइट होगी ये वाली, वो हाइट अगर आप जो है वो कोई जो है वो ज्योमेट्री को यूज करते हो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो मूवमेंट ऑर्डर क्या होगा फिर उसका आपका 1/6 मास इंटू ये जो भी हाइट होगी ब्लू कलर में जो आपको शो हो रही है इसके मूवमेंट ऑर्डर इसका स्क्वायर जो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको जो है वो इस रेड कलर वाला जो एज है इसके बॉर्डर भी आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कांसेप्ट जो है वो मिल जाएगा। इस तरह हम बायसिमेट्री को फॉलो करते हैं, बाकी एजेस के बॉर्डर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने सर एक एज के बॉर्डर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो हम क्या करेंगे जस्ट जो एज के एक्स एक्स के बॉर्डर जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे, यही हमारे क्वेश्चन का इतना जो है वो सोल्यूशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको याद हो कि जब मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी तो मैंने इन्हीं बॉन्ड्स को ये जो जहाँ पे लगी हुई है ये वाली बॉन्ड्स ये आपको नजर आ रही होंगी इन्हीं बॉन्ड्स को जो है वो लगाने का एक और वे भी बताया हुआ था जो कि आप लोगों ने फॉलो नहीं करना वो थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे उसका मैं हिंट ही आपको दे देता हूँ कि वो क्या था। वो जस्ट आपके पास जो है वो सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड ये था, मेथड ये था, कुछ फिगर अब ऊपर चली जाती है। आप क्या करें अपने ट्राइंगल को जो है वो उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दें, एक पोर्शन को जो है वो ट्राइंगल ए बी ओ ले लें और दूसरा पोर्शन जो है ट्राइंगल ओ बी सी ले लें। ये आपके पास जो है एक लेफ्ट राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी और एक जो है वो राइट साइड पे जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बन जाएगी। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को जो है अलग अलग जो है वो थ्रू बाउंड जो है वो कवर अप करो और आपकी जो एक्चुअल इंटीग्रेशन थी वो जो फार्मूला में आ रही होगी उसको थ्रू प्लस जो है वो आपस में जो है कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी हम बाउंड लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बाउंड जो है इंटीग्रल की जीरो से लेकर लेट्स से 4 तक है तो आप उस इंटीग्रल को ब्रेक करके आप उसको जो है वो 0 से 2 या 0 से 3 प्लस 0 से प्लस 3 से 4 तक इस तरह बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है कि हम बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम जो है वो ट्रायंगल को कवर अप कर रहे हैं तो हम जो है वो एरिया वाइज जो है वो ट्रायंगल के एरिया को जो है ब्रेक करके फिर उसकी बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करके जो हम अप्लाई करेंगे कवर अप करेंगे उस ट्रायंगल के एरिया को ताकि हमारा जो है वो इंडियन पूरा ट्रायंगल का पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाए। मीन्स हम पहले क्या करेंगे, पहले ये जो लेफ्ट वाली जो है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है पहले इसकी बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है प्लस करके ये जो राइट वाली राइट साइड पे लेफ्ट राइट एंगल ट्राइंगल है फिर इसकी बॉन्ड लगाएंगे, दोनों के जो इंटेग्रल्स हैं उनको आपस में सम अप करेंगे तो ओवरऑल आपको जस्ट पूरे के पूरे इंटेग्रल का जो है आंसर मिल जाएगा। तो बॉन्ड्स वैसे ब्रेक करने की आपको जरूरत नहीं है, उससे बेस में आप लोगों को दो बार जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी एक तरह की, जैसे आप नजर आ रही होगी आप लोगों को आपको दो तरह की इंटीग्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी। आंसर वो अलग बात है कि आंसर सेम ही आएगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन भी लेंथी हो जाएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए आप जो है वो उसके केस में इस तरह के इसको मेथड को जो है फॉलो आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारा जो डेंसिटी जो यूज होगी क्योंकि हम लोगों ने आधे दी ट्राइंगल ली हुई है इसलिए आधे दी ट्राइंगल का एरिया जो है और आधे दी ट्राइंगल का मास यूज करके फिर उसकी डेंसिटी को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज करना है, ठीक है। और इंडियन फिर आपका आंसर जो है वो पहले इंटीग्रल का आंसर ये वाला आएगा, दूसरे इंटीग्रल का आंसर जो है वो ये वाला आएगा, सम अप करेंगे तो आपका बस ओवरऑल जो है 1/6 एम एक्स के आंसर आएगा सेम एज मेथड 1। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है इस मेथड को फॉलो नहीं करना, ये मुश्किल है और कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मेथड 1 को ही फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला बॉन्ड्स लगाएंगे और बॉन्ड लगाने के बाद जो है आंसर हमारे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो था, अगर आपके पास कोई और ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई और ट्रायंगल दी हुई है फिर भी अगर आप जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि उसके किसी एक एज के बॉर्ड निकालना चाहते हैं तब भी आपका देखें सिमेट्री वाइज आंसर आपका वही सेम ही आ रहा है कि आंसर आपका आएगा 1/6 मास इंटू उस एक्सिस के ऊपर की तरफ जो ट्राइंगल की हाइट बन रही है उसका स्क्वायर। और यही अगर आप जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल लेके करते हैं फिर भी आपका आंसर जो है अगेन सिमेट्री वाइज वही आ रहा है जैसे यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको। इसके केस में भी आपका आंसर आप लोगों ने चाहे तो एक्स एक्सिस के बॉर्ड निकाल लें चाहे वाई एक्सिस के बॉर्ड निकाल लें, दोनों एक्सिस के केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस केस में आ रहा है 1/6 मास इनटू एक्स एक्सिस के ऊपर जो हाइट बन रही है उसकी हाइट उसका स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस के अबाउट लिखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो अगेन आएगा 1/6 मास और वाई एक्सिस के अपोजिट की तरफ जो आपकी हाइट बन रही है जो कि ये मैं बिलो से शो करा रहा हूँ ये हाइट आपकी ए बन रही है तो वाई एक्सिस केस में आपका आंसर आएगा 1/6 मास इनटू ए का स्क्वायर। ये अब यहाँ पे किसकी ठीक है यार, तो आज के लिए फिलहाल इतना काफी है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। दो मिनट से हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है।
जहाँ पे आपने y जीरो और y एच लिया है स्टार्टिंग में, हाँ सर वहाँ पे अगर हम x जीरो और x a ले ले तो हाँ ले सकते हैं। मैंने कहा था ना दो मेथड है, देखो ना अगर आप x जीरो लोगे तो वो क्या होगा, वो फिगर में अगर आप देख रहे हो तो मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पे, x जीरो लोगे तो वो क्या होगा, ये भी रेड लाइन होगी x इक्वल टू जीरो, ठीक है, और x इक्वल टू a लोगे तो ये वाली रेड लाइन होगी, ठीक है ना, नजर आ रहा है ग्राफ। अब अगर आप ये हाँ इशारा आ रहा है नजर, अब अगर आपने y की बॉन्ड लगानी है तो y की बॉन्ड क्या होगी, वो नीचे से ऊपर होगी, तमाम भाई जो फिगर है वो नीचे से तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये वाली ब्लू लाइन से, ठीक है, और ऊपर जो है वो इस ब्लू लाइन तक नहीं है, सही है ना, तो क्या करेंगे ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा चेहरा चेंज करके वो कह देंगे ऊपर की तरफ आ जाए, वो इस ब्लू लाइन तक जो है वेरी कर रही है, तो ये वाली बॉन्ड्स वो वाली होंगी जो आप मुझे कह रहे अभी करने के लिए, ठीक है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये लेफ्ट वाली जो रेड लाइन है इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये जो राइट वाली रेड लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू ए। अब उसके बाद ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है जो कि एक्स एक्सिस में से पास कर रही है इसकी इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू जीरो, और ये जो ऊपर वाली ब्लू लाइन है ये वाली इसकी इक्वेशन जो है आप लोगों को जो है फिर निकालनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे निकाली हुई है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे x इक्वल समथिंग के केस में निकली हुई है आपने, यहाँ पे y इक्वल समथिंग के केस में निकालनी है ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन यही है लेकिन जैसे आप लोगों ने यहाँ पे y इक्वल समथिंग के केस में निकालनी है क्योंकि अब हम जो है वो सेकंडली जो है देखो y की बॉन्ड पुट करें y इक्वल टू जीरो से लेकर y इक्वल टू यहाँ पे समथिंग कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो इस लाइन की इक्वेशन होगी, वो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकालने के बाद y इक्वल समथिंग जो भी इस लाइन की इक्वेशन बनेगी ये वाली वो यहाँ से निकाल के आप लोग जो है वो अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दोगे तब भी आपका सेम ही आएगा, ये सही है, ठीक है, टाइम खत्म हो गया है, ओके अल्लाह हाफिज़।